भाई इसके पीछे की वजह उन लोगों को प्रोसेशन निकालने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने इलीगल तरीके से प्रोसेशन निकाला। वो रूट दिए हुए थे जेपी गोलंबर से आने का, वो धोखा देकर एग्जीबिशन में घुस करके इधर आ गए। आते ही यहाँ पर बैरिकेडिंग को उलट दिया, पुलिस पर उन्होंने हमला करने का प्रयास किया, हिंसा पर उतारू हो गए। वैसी स्थिति में कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था को जो है बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाए वो उसने उठाया और इनको नियंत्रित किया और 5-6 लड़के को अरेस्ट किया गया है। सर इसमें रूट डाइवर्सन की बात आ रही है कि पुलिस को सूचना नहीं थी दूसरे रूट से? बोलो भाई, पहली बात कि इनका प्रोसेशन ही इलीगल था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना रूट दिए हुए थे जेपी गोलंबर से, वो घुस गए एग्जीबिशन रोड और यहाँ आते ही वो तोड़ फोड़ की रणनीति अपना लिए। तो वैसी स्थिति में रूल ऑफ लॉ काम करेगा ना? आम जन जीवन को हम लोग ऐसे ही असहाय नहीं ना छोड़ सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है, कानून का फर्ज बनता है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी कानून कहता है उसके अनुरूप काम करें। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज हुई है? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज नहीं हुई है, बहुत आसानी से उनका हल्का बल प्रयोग करके उनको यहाँ से हटा दिया गया है।